हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण। मैंने पूजा कर ली है और पापा तो है नहीं, इसलिए घर तो एकदम सोना सोना लग रहा है। और यहाँ पे मम्मी काम कर रहे है। मम्मी जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। थैंक यू। आओ। ओके, नाश्तो करवाना है? नाश्तो मैं कर ली सर। ओके तो आज कुछ नया काम करना है के रोज का है? क्या काम करना है? डेली धोबी से दादा ने बधु धो से। ओके, कंटिन्यू करते हैं। હલો, વીરાલી પગથિયા ધોવે છે, મારે મારું કામ પતી ગયું છે, વીરાલી નું કામ બાકી છે, વીરાલી કામ કરે છે, કરા તો પડેગા। હા, મેરા કામ યે ફિનિશ હોગા, બાદ મે દોનો કા કામ સ્ટાર્ટ હોને વાલા હૈ, હમકો વેટ ધોના હૈ, ઇસલિયે દોનો કી જરૂર પડેગી ઉસમે। હા, બરાબર। તો થોડી દેર આપ આરામ કર લે, તબ તક મે ક્લીન કર લેતી હું। દાદર ધોવાઈ ગયા છે? યસ। અને હવે પગથિયા કોરા કરના હૈ દાદર કો, તો મે ચલો કોરા કર લેતી હું, બાદ મે હમ ચલેંગે ગેટ સાફ કરને। मम्मी पूरा घर दिखा रहे हैं। मम्मी हाँ, घर बताओ पड़े ना, क्या हथियार ले लिया है, तो चलिए अब मेरे साथ। चलिए। और यहाँ पे मम्मी ने स्टार्ट कर दिया है डेली धोना, सिर्फ पानी से ऐसे ही धो रहे हैं, बाद में मैं साबुन से धोऊंगी। यस, क्लीन तो करना ही पड़ता है। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। साबुन के बाद तो पानी डालना पड़ता है, क्लीन तो भी जाकर क्लीन होती है, जो कई वाइट मस्त होती है। क्लीन करते हैं तो दिखता है ना, क्लीन करने के बाद। આવી તો કાલે ઈ નહોતી વિરાલી, બાજુમાં જોઈએ પણ આ જો ધોવાનું બાકી છે અને આ ધોવાઈ ગઈ, કેટલો ફરક પડી ગયો। યસ, બહુ મસ્ત ડિફરન્ટ તો દેખાય છે। હું ગયા, અબ બે ભાગ બાકી હે, તો ચલો હમ સ્ટાર્ટ કર દેતે હે। હા, હેલો વિરાલી બેન, જો ઘસી ઘસી ડેલી ધોવે છે? યસ, બહુત ગંદી હો ગઈ, એટલે સાબુ સે ક્લીન કરના પડતા હે। હા, બહુ મેલી થઈ ગઈ હતી ને? યસ, થોડું ઉડે બહુ, એટલે બહુ ઓલી થઈ જાય મેલી। अबे मम्मी, उसकी फ्रेंड सब लोग आ गए हैं शॉपिंग करने के लिए, बहुत बड़ा गालीसा है, सब लोग देख रहे हैं, लेडीज लोग देखते हैं पसंद आता है या नहीं आता है। बाबू लेवानो से? गेट साफ कर दिया, एकदम सरस क्लीन कर दिया है, और साइड में तो मम्मी दीवार की शॉपिंग भी शेयर कर दी है मम्मी ने, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, कलर और डिजाइन भी बहुत अच्छा है इसमें। यस, आज मम्मी मुझे हेयर मसाज करने वाले हैं, और ये ऑयल है हमने घर पे बनाया है, बहुत सारे उसमें वस्तु डाली है, आमड़ा, कड़वा लिमड़ो, मीठो लिमड़ो, दूधी गुलाब, देसी गुलाब उसमें डालते हैं, जासूस डालते हैं, बहुत सारी इसमें हमने वस्तु डाली है। तो मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो मैं आपको शेयर करूंगी, और बहुत अच्छा तेल बनता है, और हम बच्चों को भी एक तेल डाल सकते हैं इसमें, तो कोई केमिकल यूज नहीं करते इसलिए, और हम घर पे सब यही तेल यूज करते हैं। नहीं मम्मी, हाँ आपने बताई ना कि तेल बहुत सरस आवे थाई से, अने नड़े नहीं, बहुत मस्त तेल थाई से। तो चलिए, तो आपने नाखी से मां तल नो तेल नाखू, तो ये रडियो नाखू, तो यस सब कुछ इसमें डालते हैं, नहीं खाता बधु वस्तु बहुत नाखी थी, तो ये तेल बहुत अच्छा बनता है। तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको मैं शेयर करूंगी कैसे बनाती हूँ। और आज मम्मी मुझे मसाज करे, कई दिनों से मैंने तेल
डालती हूँ, पर कभी कभी टाइम बीच में नहीं मिलता ऐसे ही डालती हूँ। और आज मम्मी मुझे मसाज कर रहे हैं माथे में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं बनाने वाली हूँ छोले चना की सब्जी, तो बनाते और मम्मी आ गए हैं। और चना मैंने सुबह से ही भिगो दिया था और अच्छी तरह से पक जाए इसलिए। तो चलो हम पहले बॉइल करने के लिए रख देते हैं। मम्मी करो पड़े हम मुझे लेने तो चलिए, यहाँ मैंने सुबह से रख दिया था भिगो कर, तो कुकर में डालकर सिटी कर लेंगे। साथ में एक आलू भी डाला है, अच्छी तरह से ग्रेवी वाली सब्जी बनती है इसलिए। तो चलो मैं बॉइल करने के लिए रख देती हूँ। अब मैंने छोले चने रख दिए बॉइल करने के लिए, अब तक हम ग्रेवी बना लेते हैं। छोले चने में ग्रेवी भी डालनी है इसलिए टमाटर की। तो यहाँ पे मैंने टमाटर ले लिया है, तो चलो मैं कटिंग कर लेती हूँ। और यहाँ पे मम्मी कासरोल लेकर खड़े है, रोटी काटा गुनना है इसलिए। तो चलो आप रोटी काटा गुन ले और तो मैं टमाटर कटिंग कर लेती हूँ। चलो यहाँ तेल रख दिया है मैंने, तो चलो हम तड़का लगा लेते हैं। राजू डाला है, हल्दी, कल मसाला है, तज का टुकड़ा है और एक मरचू है, आखी इलायची और तमालपत्र है, तो हम उसमें थोड़ा सा अदरक डालेंगे। इसमें हम टमाटर डालेंगे और टमाटर की कटिंग एकदम बारीक बारीक करनी है, अच्छी तरह से पक जाए। वरना आप मिक्सर जार में डालकर पेस्ट भी बना सकते हो। यहाँ पे मैंने कटिंग करी है, तो चलो अब इसको पकने देते हैं। और हमारे छोले बॉल हो गए हैं। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हूँ, टमाटर अच्छी तरह से पक जाए। यहाँ पे टमाटर पक रहा है थोड़ी देर है। इसमें हम काजू का पाउडर भी डाल सकते हैं और सिंग दाना और तल का मिक्स पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंग दाना और तल का मिक्स पाउडर था एक चम्मच वो डाल रही हूँ। चलो अब चना बॉयल हो गए, तो चलो हम ग्रेवी पक गई है तो इसमें हम डाल देते हैं सारा मसाला डालेंगे, बाद में हम उसमें छोले डालेंगे। और एक चम्मच लाल मिर्च कश्मीरी डाला है हमने, थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया जीरा पाउडर, और अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। टमाटर की ग्रेवी पक गई तो इसमें हम छोले डाल देते हैं। बॉइल करे हुए चने में पानी था वो भी साथ में डाल दिया है, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और हमको पानी डालना ही पड़ता है अलग से, इसलिए वो पानी इसमें हमने डाल दिया है। और इसमें हम बॉइल करे हुए आलू भी डाल देंगे, मैश करके आलू डालते हैं, एकदम ग्रेवी घाटी बनती है। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, थोड़ी देर उबालना है जब पानी एकदम घट हो जाए तब तक उसको उबालना है। मैं भी बहुत बढ़िया आने लगी है, बहुत मस्त था सो क्या यस सुगंध बहुत रहता है। मस्त है, सब्जी बहुत अच्छी बनी है। और हमारी सब्जी उबलने लगी है, तो छोले के साथ में ग्रेवी है, कितना बढ़िया लग रहा है। चलिए हमारी सब्जी रेडी हो गई है, बाउल में निकाल लेते हैं और मम्मी बाउल में डाल रहे हैं। मम्मी सो लागे छे केव बनू छे? बहुत सरस है, एवं बहुत मस्त छे। देखा में सरस छे એટલે ખાવા માં બહુ મસ્ત હોય એવું। ओके तो चलिए देखते हैं खाने के बाद आप सबको कितना अच्छा लगता है सब्जी। अभी मम्मी ने सारा बाउल भर दिया है और छोले चना की सब्जी रेडी हो गई है। तो रोटली करनी है, यहाँ पे मम्मी ने रोटली स्टार्ट कर दी है। तो चलो मैं मम्मी को वाले पर आती हूँ, जोरों से कर दो झड़प से फ्रिज हो जाए रोटली, बाद में हम भगवान को थाल धरना है, बाद में हमको खाना है। तो चलो अब फूली ना। हाँ हाँ फूले गड़ा चाहिए थे। कभी तो फूलती है ना, कभी नहीं फूलती। और साथ में हम छोले के साथ भटूरे भी बना सकते हैं, पर हमने नहीं बनाया क्योंकि बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, इसलिए तला हुआ खाना अच्छा नहीं लगता। अच्छी लगती है इसलिए आज मैं रोटी बनाई है। यहाँ पे मेरी रोटी फिनिश हो गई है,
और मम्मी भगवान का थाल रेडी कर रहे हैं यहाँ पे। लाइए भगवान को भूख लगी होगी मम्मी। आ गई रोटली। अब क्या मुकना है थाल में? ओके और आज भगवान को केरी का अचार मुका है, खाटू थान बोलते हैं ना वो है। चलो भगवान का थाल रेडी हो गया है, रोटी और ठंडी छाछ है साथ में, और छोले चना की सब्जी है और केरी का अचार है। तो मम्मी भगवान को थाल लेकर जा रहे हैं। चलो यस मैं और मम्मी खाने के लिए बैठ गए हैं। पापा तो है नहीं और विश्व आता है लेट, तो हम दो नहीं है। और सुबह से लाइट चली गई है तो बहुत गर्मी भी हो रही है। और मम्मी आपको सब्जी कैसी लगी? बहु मस्त, बहु मस्त, बहु सरस छू। जेने भाव तो कमेंट में लखजो कि हमने छोले चना नो चार बहु भाव है अने आलो बधा जम्मा। ओके मैंने भी टेस्ट किया, बहुत अच्छी सब्जी बनी है। तो चलो फिर खा लेते हैं, बाद में मिलते हैं। तो यहां पे मम्मी बैठ गए कपड़ा संभालने के लिए। रेडी हो गए तब कहाँ पे जाने वाले हैं? सभा में जाओ से। ओके आज सभा है ना? सभा से। ओके तो सभा में हूँ वही श्राद्ध की सभा हुई ने, એટલે કથા ધૂન કીર્તન એ બધું હાલે છે। ઓકે મમ્મી ગઈ સભા મેં તો મેં અકેલી હું ઓર મેં વિડિયો એડિટિંગ હો ગયા હે તો થોડી દેર ફ્રી હું તો મેં બેઠ ગઈ વાપસ મેરા કામ લેકર। तो चलो मैं करती हूँ। शाम हो गई है, वर्क मैंने साइड में रख दिया है, अब जाएंगे हम किचन में रसोई बनाने इसलिए। और मम्मी तो अब तक आए नहीं है, ले बात से। और यहाँ पे मम्मी भी आ गए है। अभी तक सभा में आता ही रहो। आज क्या लेट बधु यहाँ रास लेता था घड़ी खोटी थी। ओके मम्मी बैठ गए मग लेकर। मम्मी क्या मत यार मग साफ करो, આ ચોમાસાની વસ્તુ બધી સંભાળવી પડે, ભેજને લીધે છે ને હળી જાય, જીવાત પડી જાય, ઓકે બધી વસ્તુ અમુક તપાવવી પડે અને પછી એને આછેરો કરવો પડે ચોમાસામાં, હા હા તરત જીવાત પડે। ઓકે એટલે સાફ કરો છો એમ ને? હા એટલે મેં આછેરો કરી લો। ઓકે તો ખાના ક્યાં બનાવવાના આજ? ખાના જે નક્કી કર્યું નથી। ઓકે તો મમ્મીને મમ્મી સાફ કરી દીધી આ સાફ થઈ ગઈ। क्या बैठो तू ना गाय ना तो। ओके प्लास्टिक की बोतल में भर रहे हैं मम्मी। क्यों मैं बोतल में भरो? आ मैं भरी ने वस्तु काई न थे हळे नी जीवा देनो पण सरस रे। आखो वर सारू रे ने एम राखवान थी होय तो। ओके इसलिए प्लास्टिक की बोतल है उसमें भरते हैं, वो एयर टाइट रहता है इसमें कुछ नहीं पड़ता। चलिए कंटिन्यू करें। आप रसोई हम नहीं बनाने वाले क्योंकि मम्मी को कम भूख लगी है, तो बपोर की सब्जी पड़ी है इसलिए मम्मी खाने वाले। और विशु का तो बाहर ही डिनर करने वाला है फ्रेंड सर्कल के साथ, और मुझे तो खाना ही नहीं है। तो चलिए और हमको जाना है सभा में, तो हम लोग जा रहे रेडी खाने के लिए। मम्मी ने तो खाना खा लिया है। हाँ। तो क्या हमें जा रहे रेडी होने के लिए सभा में जाना है इसलिए। चलिए फ्रेंड मैं और मम्मी एकदम रेडी हो गए हैं। हाँ। तो हम निकल रहे सभा में जाने के लिए। नहीं मम्मी हाँ जाए मजा आ रही सभा में जाने। बहुत मजा आओ सत्संग सभा बहुत सारी थे, बहुत मजा आवे। संतो पार्षद बधा आवे, बधारे भक्तो भेगा थाई, मजा आवे। तो चलिए मैं वीडियो का एंड करती हूँ। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय।